बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम अलैकुम, मेरा नाम मोहम्मद समाक नियाजी है। मैं सोशल वेलफेयर सोसाइटी रजिस्टर्ड हाजी पाक राजगढ़ लाहौर का प्रेसिडेंट हूँ। हमारी सोसाइटी 1983 से ये क़याम पज़ीर है। इस सोसाइटी के ज़ेर अहतमाम हमारे पास दो प्रोजेक्ट्स हैं, एक हम तालीम की शक्ल में हैं और एक हमारे पास शोबा सेहत है। तालीम के शोबे में हमारे पास प्राइमरी स्कूल है, अमीना रियाज मॉडल स्कूल है, अमीना रियाज वोकेशनल इंस्टीट्यूट है और एक तलीमुल कुरान नाजरा का हमारे पास एक शोबा है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, मेरा नाम किरण है और मैं अमीना रियाज स्कूल की प्रिंसिपल हूँ। मेरा नस्बुलैन यहाँ के बच्चों को अच्छी एजुकेशन फराहम करना है। इस स्कूल में सबसे पुराना इदारा दस्तकारी सेंटर है, जो तकरीबन 35 साल से यहाँ पे मौजूद है। मेरा नाम मिसिस शबाना साबिर है। मैं माशाल्लाह इस इदारे में 10 साल से मुंसलिक हूँ। माशाल्लाह डिप्लोमा याफ्ता हूँ मैं और इस इदारे को मैंने पूरे 10 साल दिए और माशाल्लाह यहाँ से सीख कर जाती हैं। माशाल्लाह बच्चियाँ जाकर सिलाइयाँ करती हैं, अपने घरों के रोज़गार चलाती हैं, अपने वालदैन का साथ देती हैं, बच्चियाँ फिर जहेज बना सकती हैं काम करके अपना घर में। हमारे इदारे में कटिंग की उनकी बेहतरीन किस्म की बेस बनती है कि जो कि किसी और इदारे में कटिंग की बेस नहीं बनती। प्रोफेशनल डिज़ाइनिंग है, यूट्यूब से सर्च करके, नेट से सर्च करके हर तरह के लहंगे, गरारे, साड़ियाँ, हर तरह की उनको डिज़ाइनिंग सिखाई जाती है कि किसी तरह से वो पीछे ना, लेडीज़ में भी माहिर और जेंट्स में भी माहिर हो जाती हैं हमारी बच्ची। कर रहा है अल्हम्दुलिल्लाह हमारा इदारा तरक्की, और क्योंकि हमारे जो अफसरान हैं वो भी बहुत हेल्पफुल हैं और स्टूडेंट्स भी हमारे इसी किस्म के, अल्लाह का शुक्र है। पैंतीस साल से दस्तकारी स्कूल में बहुत सी बच्चियां यहां से मुस्तफीद होकर गई हैं और उन्होंने अपना कारोबार का सिलसिला भी बनाया है, और यहां से काफ़ी बच्चे नाजरा की तालीम भी हासिल करके गए हैं और अब भी अल्लाह के फजल व करम से यहां पे तकरीबन 70 से 75 बच्चे रोज़ाना यहां से तालीम हासिल करके जाते हैं। स्कूल की फ़ीस नहायत मुनासिब है और जो इस फ़ीस को अदा नहीं कर सकते मुस्तहिक बच्चों के लिए खुसूसी डिस्काउंट है, बल्कि कुछ बच्चे तो ऐसे हैं जिनके जो मुस्तहिक हैं उनको तालीम फ्री दी जाती है। अब आपको किसी भी महंगे स्कूल जाने की ज़रूरत नहीं, वहाँ पे जो नसाब पढ़ाया जाता है उसी एजुकेशन को मद्देनज़र रखते हुए इस स्कूल में भी वही तालीम आपके बच्चे को कम फीस में दी जाएगी। और सेहत में हम उमर हॉस्पिटल ट्रस्ट के नाम से काम कर रहे हैं। हमारा इदारा बिला तफरीक तमाम लोगों के लिए अपनी खदमात सर अंजाम दे रहा है।
नाम फरहत मंसूर है, मैं इस वक्त उमर हॉस्पिटल में बैठा हूँ भाई। मुझे मैदे का मसला था तो मैंने डॉक्टर अब्दुल्ला को चेक करवाया तो उससे काफ़ी मुझे फ़र्क है, काफ़ी फ़र्क पड़ा मुझे। प्राइवेट में तो सिर्फ पैसे देने की बात है, वो सिर्फ पैसे कमाने के लिए बैठे हैं, डॉक्टर साहब जो है वो उस चीज़ को नहीं देखते, डॉक्टर साहब इस चीज़ को नहीं देखते, पेशेंट का तसल्ली करा के भेजते हैं। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम डॉक्टर मोहम्मद अब्दुल्ला है, मैं उमर हॉस्पिटल ट्रस्ट के साथ व्यवस्था हूँ। मैं गुज़िश्ता 3 साल से अपनी सर्विसेज हॉस्पिटल में एज अ जनरल फिजिशियन एंड चाइल्ड स्पेशलिस्ट के तौर पर प्रोवाइड कर रहा हूँ। मेरे अलावा इस अस्पताल में मजीद शोबा दंदान, आँखों का शोबा, शोबा अमराज नसवां, लेबॉरटरी, माइनर OT, एमरजेंसी और एक्सरे और अल्ट्रासाउंड की फैसिलिटीज़ यहाँ पे जो है मरीज़ों को हम फ्राहम करते हैं। अस्पताल के अंदर जो लेबॉरटरी की सर्विसेज हैं उसमें हम मार्केट से कंपेटिटिव जो है 50-40% लेस रेट के ऊपर टेस्ट परफॉर्म करते हैं और बिल्कुल लेटेस्ट मशीनरी के अकॉर्डिंगली हम यहाँ पे जो है वो अपने मरीज़ों को जो है वो टेस्ट करके दे रहे हैं। शोबा अमराज नसवां है, उसमें सीनियर गायनेकोलॉजिस्ट के साथ WMO की फैसिलिटी यहाँ पे मौजूद है और वो अल्ट्रासाउंड के साथ अपनी जो है सर्विसेज प्रोवाइड कर रही हैं। आँखों के शोबा के अंदर जदीद मशीनरी के साथ हम सफ़ेद मोतिये और मजीद जो आँखों के माइनर ऑपरेशन होते हैं वो करते हैं और डेंटिस्ट के अंदर हम मुकम्मल पैरामीटर्स के अकॉर्डिंगली स्टरलाइज्ड इंस्ट्रूमेंट्स के ज़रिए जो है वो हम अपना दांतों का जो है इलाज फ्राहम कर रहे हैं और मार्केट से जो है वो भी 30-40% लेस रेट्स के ऊपर हम यहाँ पे अपनी सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं। शोबा हड्डी जोड़ जो है वो एक्सपीरियंस फिजियोथेरेपिस्ट के साथ हम यहाँ पर सुबह और शाम दोनों टाइम्स के अंदर जो है वो रन कर रहे हैं और उसके अंदर हर किस्म के जो अमराज हड्डी जोड़ होते हैं और फ्रैक्चर्स वगैरह, कोई CP चाइल्ड है या कोई भी स्पॉन्डिलाइटिस वगैरह, इस तरह की जो बीमारियाँ जो क्रॉनिक लेवल पर चलती हैं उनको चलाने के लिए हमारे पैकेजेस भी अवेलेबल हैं और डेली फैसिलिटीज़ भी हम प्रोवाइड करते हैं। जनरल OPD के अंदर हमारे पास मेल और फीमेल दोनों मेडिकल डॉक्टर्स की फैसिलिटी अवेलेबल है हॉस्पिटल के अंदर ताकि अवामुन्नास की खिदमत बेहतर तरीके से हो सके। जो OPD की फैसिलिटीज़ हैं उसके अंदर हम OPD की स्लिप के साथ साथ जो मरीज़ हैं उनको हम अद्वियात भी मुफ्त फ्राहम करते हैं। इंशाल्लाह फ्यूचर के अंदर प्लान है कि हम इस अस्पताल को मज़ीद आगे लेकर जाएँ और इसके अंदर हम जनरल सर्जरी और उसके अलावा स्किन स्पेशलिस्ट और कार्डियोलॉजिक स्पेशलिस्ट के तौर पे भी हम जो है वो इन चीज़ों को मुतारिफ करना है। शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम मोहम्मद फवाद बाबर है, मैं सोशल वेलफेयर सोसाइटी राजगढ़ में जनरल सेक्रेटरी के फ़राइज़ सर अंजाम दे रहा हूँ। हमारा इदारा एक नॉन प्रॉफिट चैरिटी इदारा है, यहाँ पे तमाम मेम्बरान वॉलेंटरली इस इदारे में अपनी खिदमात दे रहे हैं और इस इदारे में हम आप हजरात के ज़कात, सदकात और खैरात को इंतहाई ईमानदारी के साथ और ज़िम्मेदारी के साथ मुस्तहिक मरीज़ों और तलबा के ऊपर ख़र्च करते हैं और हमारे आने वाले फ्यूचर प्रोजेक्ट्स में हम तालीम और सेहत के अलावा हम बैतुल माल के प्रोजेक्ट को भी शुरू करने का इरादा रखते हैं जिसमें मुस्तहिकीन की माहाना किफालत और मुस्तहिक तलबा के माहाना वज़ाइफ और इसी तरह मुस्तहिक बच्चियों के लिए जहेज़ का इंतज़ाम किया जाएगा और इन सब चीज़ों को चलाने के लिए हम आप हजरात के तआवुन के ख्वाहां हैं। इस गुरबत और जहालत के दौर में अपनी ज़कात, अपने सदकात और अपने खैरात और कुर्बानी की खालों की शक्ल में हमसे तआवुन फरमाकर कार खैर में हिस्सा डालें। जैसा कि 30 सालों से सोशल वेलफेयर सोसाइटी लोगों की खिदमत के लिए कार फरमा है, आपसे ये इल्तमास और अपील की जाती है कि इसमें फाइनेंशियली भी हमारा तआवुन फरमाएँ और फिज़िकली भी तआवुन फरमाएँ। शुक्रिया।